कार दोस्तों, देखिए भाइयों, हमारे यहाँ रात चोरों ने तार काट लिए। ये एलटी का खंबा है और ये देख सकते हैं आप, 12 है। और उधर कम से कम बिना 3 खंबों का तार काटा है रात को इन्होंने। जोड़े पे थे, बिना फ्यूज उड़ाए ही सड़क पर गाड़ी लगा कर कतर दिए। और ये भी देख सकते हैं आप कितने टुकड़े इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिए। और भाइयों, इस मौसम में बड़ी परेशानी आ गई किसान के लिए भी, आके एकदम तो ये तार जुड़ने के नहीं। अब इसके लिए अभी मैं आपको किसान भाई से भी मिलवाता हूँ। हाँ जी, तो कट कट के तार ये? हाँ जी, ये जो है परसों रात काट लिए है। अच्छा, और चोरों ने सारी खेती जो है सुखी पड़ी है। हाँ बताओ, परेशानी आ गई जो है सारी, वहाँ से मान लो जो है। हाँ, पानी आने के लिए जो है तैयारी थी, लेकिन इन्होंने जो है सारे खेत सुखा दिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब फसल में बताओ क्या करा जा। आ, कितने दिन की उम्मीद है अभी सरकारी काम है? अभी कोई पता नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे ये लोग। जा रहे इनके पास जो है, ये जो है कह देते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कोई बात ही नहीं है अभी, कोई बात ही नहीं कर रहे अभी। हाँ जी, देखे भाइयों, अभी आपके इनके खेत दिखाता हूँ मैं, आ जाओ एक बार। सारे खेत सूखे पड़े हैं। यहाँ लो इनके, कम से कम बिना ये लाइन कटी, इस 12 पे 80-90 बीघे की भराई होगी कम से कम। हाँ जी, कम से कम 90 बीघे, 90 बीघे की भराई है भाइयों इस समरसेबिल पे। और उसके अकेले के तार कटे है। अब इस किसान का दर्द आप समझ सकते हैं। देखो सारे खेत सूख पड़े हैं पानी के लिए जो है आने के। देखो इन्हें पौधों को कोरण देनी थी इन्हें। हाँ जी, आज ये जुताई कर रहे हैं वो तो थोड़ी सी। आज जाते हैं जेई के यार, इनके जो है वहाँ से बिजली कर जी, ये सुनवाई नहीं करते कुछ, जो कहते हैं हाँ जुड़ जाएंगे। हाँ जो है अब जो है तो रिपोर्ट तो होगी। हाँ रिपोर्ट हो गई, लेकिन जो है अभी जो है कोई बात ही नहीं बना के दे रहे जो है। जो ये तो लगाओगे 10-15 दिन, मुझे तो ऐसा लग रहा है 10-15 दिन लगा देंगे तो। हाँ रोज जाना पड़ रहा है वहाँ से जो है इनके पास, कह दे कभी छुट्टी है कभी कुछ बता देते हैं। हाँ कोरोना टाइम चल रहा है, कुछ बता दो। अरे इनके खेतों में परेशानी आ रही, काम भी करना और दोपहर में वहाँ जाना पड़ रहा होगा। हाँ, अब पानी बताओ सारी फसल सूख गई जो है। बिल्कुल सही कह रहे। देखे भाइयों, इनका कम से कम भी ना 40 बीघे का खेत है ये परे तक, आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने पौधा बोया है गन्ना। अब बताओ इसको पानी नहीं आएगा तो सारा सूख जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो थोड़ी सी बारिश आ गई इस वजह से जान बच रही अभी। हाँ जी, और देखे कितनी जुताई आ रही है, ट्रैक्टर से इधर जुताई चल रही है। जोटा इनका 5-4 बीघे में बोल गया, इनका भी इतनी जुताई नहीं कर पाने का हल्का है। हाँ जी, 40 बीघे जुताई है कम से कम। हाँ तो ट्रैक्टर से करनी पड़ रही है, वो तो टीलर लो फिर एक ट्रैक्टर इसके पीछे बड़ा। अब जो है ये देखो आप जो है सारी फसल। हाँ बिल्कुल बेकार होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पंडे भी फट रहे है, पानी गहल आना चाहिए जुताई होकर। अब पानी की बड़ी समस्या होगी। बिल्कुल सही कह रहे। अरे कम से कम बिना 15 दिन का खड़ा हो गया अब। हाँ जी, एक जमाव पे चल रही है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी इसमें थोड़ा सा बताओ जी, कुछ क्या कहना चाहोगे फिर भी? मैं कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब जो है यो खेड़ी गांव है जो है सरस्वती के पास जो है, यहाँ से काटे है इन लोगों ने जो है, चोरों ने जो है ये जो तार। हाँ। हमारे और जो है यही है कि बस इसमें जल्दी से जल्दी है सुनवाई कर ले तो जो है पौधा बच जा। बिल्कुल बिल्कुल सही करे, गन्ने की फसल बच जाएगी, गन्ने की फसल बच जाएगी, हानि नुकसान हो जाएगा। देखिए ये इनका अपना महिंद्रा 265 DI 98 मॉडल, और इसके पीछे इन्हें 2 ही कल्टीवेटर मिले भाइयों। ट्रैक्टर के पीछे कम से कम 3 कल्टीवेटर 5 खुरपों के बंधने चाहिए, लेकिन सभी की जुताई आ रही। थोड़ा सा दाबो तड़कू, इस पर तड़क कुछ आ रहा होगा, इससे तो लागू कर लो ढंग में कुछ, रुकवा ले करो, खुरपे के तड़ा आ रहा कुछ, रोक ले भाई एक बार। खुरपे के तड़ा आ रहा नहीं, चलो निकट गया। कल्टीवेटर बढ़िया लग रहा है। देखिए भाइयों, इनका जुताई का तरीका देखिए आप। इसमें लेजर लाना था पहली बात तो, लेजर के पीछे कल्टीवेटर बनते, 5 खुरपों के 3 कल्टीवेटर होते, खेत में मजा आ जाता। देखिए भाइयों, जिसको जैसा इंतजाम मिल रहा हो काम वैसे ही कर रहा, क्योंकि इनके समरसेबल के तो तार कट गए। अब ये इसकी ऐसी खुदाई जुताई ना करनी पड़ेगी इसकी, तो कभी ये सूख ना जावे, तो इसीलिए इसमें अपना जुताई करके छोड़ देंगे ट्रैक्टर के द्वारा ये, और फिर तसल्ली से अपना खेत खोद लेंगे। उस काम के लिए भी भाग दौड़ी ना करनी पड़ रही है तारों के लिए भी। तो भाइयों, किसान की बहुत समस्या है, सुनने वाला कोई नहीं है। और जो ये बैठे हैं ऑफिसों में, ये धक्के खुआते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता कोई कहाँ से दोपहर में आया है। अब तो कोरोना का और बहाना बना देते हैं। अभी मैंने आपका किसान का दर्द सुनवाई दिया। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। नमस्कार।
बिल्कुल कम से कम 300 मीटर। देखिए भाइयों 300 मीटर लंबी होगी ना। हाँ 300 मीटर लंबी तार, 300 मीटर की लंबाई है, ऐसे तीन खंबे के लगभग पड़ते हैं। और अभी मैं आपको जोड़े पे भी ले जाकर चलता हूँ, जो कि सड़क पे है हमारी 12 के पास। देखिए भाइयों ये तीनों तार जो है, ये आप देख सकते हैं सड़क है, इस पर मेरे हिसाब से चोर गाड़ी लेकर आए, और ये लगभग सड़क के ऊपर से बिल्कुल इन्होंने काटे, क्योंकि फ्यूज नहीं उड़ाए इन्होंने चोरों ने। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो जंगल की लाइट है सरकार ने ये दिन दिन में कर रखी है, इसमें कोई रात को नहीं आती, तो इसमें कुछ इन्हें थोड़ा बहुत करंट रात को छोड़ना चाहिए, तो इसमें ये हो सकता है। क्योंकि चोरों ने अभी पिछली बार 8 दिन पहले भी नुकसान कराया एक जगह, और अभी यहाँ पे एक खंबे के और हमारे ताऊजी के भी तार कटे हैं, तो इन्होंने क्या करा, कैंची है इनके पास में कोई तार काटने वाली, उससे सड़क पर गाड़ी पे खड़े होकर काट दिया यहाँ से। फिर उन्होंने बिल्कुल तसल्ली से अपना तार इकट्ठे करे, क्योंकि उन्हें पता है कि रात को लाइट तो आनी नहीं, और बिल्कुल तसल्ली बख्श अपना गाड़ी में रखे ले गए। और ये देख सकते हैं तीन खंभों का तार 300 मीटर का चोर ले गए। अब किसान को कितनी परेशानी बनी है ये शायद उन्हें आभास नहीं होगा। तो भाइयों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भाइयों कमेंट में ज़रूर बताना। नमस्कार। ये भाइयों हमारा आ गया यहाँ से, चेक हमारा शुरू हो गया, हमारी 12 है। और देखिए हमने यहाँ से ही इस पोल से रबड़ का तार शुरू करवा दिया था अपना, और पूरा का पूरा चेक हमारा रबड़ से ही पार है। बिल्कुल देखो आगे हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पेट टूट के लाइन पर गिर गया था, लेकिन गाँव